नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। सफेद दाग हर कोई शिद्दत से ठीक करना चाहता है, जबकि ना तो इस बीमारी से कोई दर्द होती है ना ये इंटरनली आपको परेशान करता है। फिर भी जिसको सफेद दाग होता है वो हर हालत में चाहता है कि ये ठीक हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे श्योर शॉर्ट स्टेप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप आज का वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि सफेद दाग ठीक करने के लिए आखिर आपको करना क्या है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना सफेद दाग 100% ठीक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग को, ल्यूकोडर्मा को, विटिलिगो को ठीक करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है चूज द राइट ट्रीटमेंट एंड राइट डॉक्टर। आपको सफेद दाग ठीक करने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि आपको कौन सी पैथी चूज करनी है। क्या आपको एलोपैथी से दवाई करनी है, आयुर्वेद से करना है, होम्योपैथी से करना है। सफेद दाग के कंसेप्ट में ही पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा इलाज सफेद दाग के लिए बेहतर है। उसमें मैंने हर पैथी के फायदे और नुकसान दोनों ही बताए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि कौन सी पैथी आपके लिए बेहतर है, तब आपने सिलेक्ट करना है सही डॉक्टर। आयुर्वेद में बताया गया है कि वैद्य ऐसा होना चाहिए जिसे आपकी बीमारी के बारे में पूर्णतः नॉलेज हो, उसने शास्त्र पढ़े हो। तो आपको ऐसा डॉक्टर चूज करना चाहिए जिसे सफेद दाग के बारे में पूरी तरह नॉलेज हो और इस तरह के पेशेंट को देखता आ रहा हो। इसके अलावा आयुर्वेद में ऐसा भी बताया है कि जो डॉक्टर है वो बेहद फ्रेंडली होना चाहिए। आपको डॉक्टर से बात करके ऐसा लगना चाहिए कि डॉक्टर आपकी बात समझ पा रहा है, आप डॉक्टर से अपनी हर बात कह सकें। डॉक्टर इस तरह का होना चाहिए कि आपको लगे आपकी पूरी बात सुन रहा है, समझ रहे हैं। ऐसा डॉक्टर आपको सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ तक कि आयुर्वेद शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि एक डॉक्टर की मेमोरी तेज होनी चाहिए और उसे अपने पेशेंट्स के बारे में ध्यान रहना चाहिए। पेशेंट की हिस्ट्री कि पहले क्या दवाई दी थी, फिर क्या हुआ, ये सभी कुछ पता रहना चाहिए। तो इस तरह से आयुर्वेद में वर्णन किया गया है कि आप सही वैद्य का चुनाव करें। और इसके साथ साथ ही आयुर्वेद में ये भी बताया है कि पेशेंट का चुनाव करने का अधिकार भी वैद्य को है। पेशेंट के गुण, मरीज के गुण भी बताए गए हैं कि एक मरीज को कैसा होना चाहिए। उसे डॉक्टर की बात पूरे दिल से सुनने और समझने वाला होना चाहिए, डॉक्टर पे विश्वास करने वाला होना चाहिए और डॉक्टर की हिदायतें पूरी तरह मानने वाला होना चाहिए। अब आपने पहला स्टेप कर लिया, यानी कि आपने पैथी चूज कर ली और उसके बाद डॉक्टर भी सिलेक्ट कर लिया। आप डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट लिया, लेकिन अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि आपको डॉक्टर की पूरी हिदायतें माननी है, उनकी पूरी बात सुननी है। मैं जब सफेद दाग के पेशेंट्स देखती हूँ तो मुझे 2-3 चीजों के बारे में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। हो सकता है हर डॉक्टर का अपना एक्सपीरियंस हो, पर यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सफेद दाग के मरीज को मेडिसिन बहुत रेगुलरली खानी चाहिए, क्योंकि इसमें रिकवरी थोड़ी धीरे धीरे आती है। तो कई बार क्या होता है कि सफेद दाग का पेशेंट उतनी रेगुलर दवाई नहीं खाता, या फिर कई बार मैं ऐसा भी देखती हूँ जब रिजल्ट्स अच्छे आने लगते हैं तो पेशेंट थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, 2 महीने की दवाई 3 महीने में खाते हैं, या जिस दवाई से अच्छा रिजल्ट मिला बिना कंसल्ट किए ही वो दवाई ले लेते हैं। तो इसमें रेगुलर फॉलोअप यानी कि टाइमली कंसल्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सफेद दाग की दवा हर 2 से 3 महीने में बदलनी चाहिए। ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती हैं। एक या दो दवा हम रेगुलर कर सकते हैं, बट बाकी दवाई मौसम के हिसाब से, दाग की स्थिति के हिसाब से, पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से हम हर 2 से 3 महीने में बदलते हैं। तो अगर आप रेगुलर फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर की बात सुन नहीं रहे हैं, तो डॉक्टर को चूज करने के बाद भी आपका वो पहला स्टेप खराब हो जाता है। तो दूसरा स्टेप ये है कि आप डॉक्टर की हिदायतें पूरी तरह सुने, डॉक्टर पे विश्वास करें, उन्हें रेगुलर फॉलोअप दिखाएं। इसके अलावा कई बार हम पेशेंट्स को टेस्ट करने के लिए भी बोलते हैं, हालांकि बहुत रेगुलर टेस्टिंग की जरूरत सफेद दाग में बिल्कुल नहीं होती है।
फर्स्ट विजिट में या फिर साल दो साल में कभी दोबारा टेस्ट बोले जाते हैं तो वो भी टाइमली कराने चाहिए। पेशेंट को धूप लगाने के लिए बताया जाता है तो कई पेशेंट धूप नहीं लगाते या कहीं जरूरत से ज्यादा लगाते हैं, तो ऐसा सफेद दाग के केस में करने से जो रिकवरी है वो और खराब हो जाती है और डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर की हिदायतें, उनकी इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह फॉलो करनी चाहिए। तीसरा स्टेप जो आपको लेना है, मुश्किल जरूर है क्योंकि सफेद दाग को आयुर्वेद में कृत साधे कहा है, यानी कि मुश्किल से ठीक होने वाला, इसलिए क्योंकि इसके साथ जो आपको स्टेप्स लेने हैं वो थोड़े मुश्किल जरूर है। तीसरा स्टेप है डाइट फॉलो करना। सफेद दाग के कंसेप्ट में यदि आप वाकई अपना सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं तो आपके लिए परहेज करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में दो तरह से परहेज बताया गया है, यानी कि पथ्य और अपथ्य। पथ्य वो जो कि आप खा सकते हैं, जो आपको फायदा करेगा, और अपथ्य वो जो आपको नहीं खाना है, आपको छोड़ देना चाहिए। इन दोनों तरह की डाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कई बार मैं देखती हूँ कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, यानी कि जो चीजें मैं खाने से मना करती हूँ वो बिल्कुल नहीं करते हैं, पर जो चीजें मैं उनको बढ़ाने के लिए कहती हूँ कि ये डाइट आप फॉलो करें और ये चीजें रोज खाएं, वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो दोनों ही चीजों पर ध्यान देना है। मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि कौन सी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, कौन सी ऐसी डाइटरी आइटम्स हैं जिनको खाने से सफेद दाग बढ़ सकता है और उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कौन सी ऐसी डाइट है जो सफेद दाग में खाने से फायदा करती है। आप ये दोनों वीडियो भी जरूर देखें और सफेद दाग की डाइट को पूरी तरह फॉलो करें। आयुर्वेद में डाइट की इम्पोर्टेंस बताते हुए बहुत कुछ लिखा है। आयुर्वेद में बताया है, पथ्य सती गदार्थ अस्य किम औषध विचने बने, पथ्य असती गदार्थ अस्य किम औषध निषे बने। यानी कि अगर पथ्य है, मतलब कि जो श्लोक की पहली लाइन है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, और उनके लिए कहा है कि अगर पथ्य है, पथ्य यानी कि अगर वो ठीक डाइट का चुनाव करते हैं तो दवाई की क्या जरूरत है। यानी कि जो लोग ठीक डाइट लेते हैं वो कभी बीमार ही नहीं होंगे, तो उन्हें किसी भी तरह की दवा की जरूरत नहीं है। और दूसरी लाइन में बताया है, जो लोग रोगी हैं वो भी अगर सही डाइट का इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें भी दवा की क्या जरूरत है। तो अगर आप डाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप सही डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आपको दवा कोई फायदा नहीं करेगी, आपको भी दवा की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आयुर्वेद में बताया है कि डाइट फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम प्रैक्टिकली रोज देखते हैं कि जो लोग, कई लोगों की इनिशियली बहुत अच्छी रिकवरी आती है, फिर वो लोग थोड़े ढीले हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं कि चलो सब ठीक है, सफेद दाग ठीक हो रहा है, और धीरे धीरे अपनी डाइट में गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं और बहुत बार मेरे से शेयर भी नहीं करते हैं। कुछ टाइम बाद जब उनके दाग बढ़ने लगते हैं तो बताते हैं कि हमने तो जी ऐसा कर लिया था, एक आध बार गोलगप्पे खा लिए थे, ये हो गया था। तो इस तरह से डाइट में गड़बड़ करने से अच्छी रिकवरी भी खराब हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपको ट्रस्ट है कि सफेद दाग ठीक हो जाएगा तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिविटी लाना बहुत जरूरी है। जब आपका डॉक्टर, आप जिनसे मिल रहे हैं, जिससे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर वो आपको एश्योरेंस दे रहा है कि आपके दाग ठीक हो सकते हैं, तो वैसे भी चिंता की जगह नहीं रह जानी चाहिए। फिर भी अगर आपको बहुत चिंता होती है तो आप योगा करें, अपने डॉक्टर को बताएं, हो सकता है वो आपको कुछ नरवाइन टॉनिक्स दें, कुछ ऐसी दवा दें जिससे आपकी चिंता करने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाए, या जो टेंशन का रजिस्ट्रेशन है आपकी बॉडी में, जो टेंशन बॉडी में रजिस्टर होती है और फिर नुकसान करती है, वो ना हो। पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि स्ट्रेस क्या होता है या स्ट्रेस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेस से बच सकते हैं, वो आप जरूर देखें और उसे फॉलो करें। तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव नहीं है, आप में ये उम्मीद नहीं है कि ये ठीक हो जाएगा, तो सफेद दाग ठीक करना तब मुश्किल होगा। तो चौथा स्टेप है, आप पॉजिटिविटी के साथ, इस विश्वास के साथ कि जो दवा, जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो आपको अंदर से हील कर रही है और आप डे बाय डे ठीक हो रहे हैं, इसके साथ दवा करें। फिफ्थ और लास्ट स्टेप जो आपको लेना है वो ये कि सफेद दाग जो है वो केमिकल से भी बढ़ता है, तो आपको केमिकल से बचना है। आपने कोई भी ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट या हेयर केयर प्रोडक्ट, जैसे कि आप
फेस वॉश यूज करते हो, सोप, शैम्पू, कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करनी है जिसमें केमिकल हो। आपको केमिकल फ्री हर्बल कॉस्मेटिक्स यूज करने चाहिए। केमिकल्स सफेद दाग को बढ़ाते हैं। इन केमिकल्स का इंटेक हमको ओरली भी नहीं करना चाहिए। हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी लेते हैं पैकेट बंद जिनमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, उनका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह पांचवें स्टेप में आपको ये ध्यान देना है कि आपको केमिकल से बचना है। अगर ये पांच स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि सफेद दाग जो है वो पूरी तरह ठीक हो सकता है, आप उसे पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि मेरा वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं बट उनमें से कुछ ही लोग सब्सक्राइब करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और भी अच्छा कंटेंट लेकर और ज्यादा प्रोत्साहन के साथ आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।